So guys, good morning, namaste, sat sri akal, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. कल का vlog हम लोग actually बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि बहुत सारी जगह हमने एक दिन में explore करी थी. आज जो है, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बोला था कि डैड की हालत थोड़ी सी जो है टाइट है, और रात को थोड़ी सी और खराब हो गई थी, इसीलिए जो है आज सिर्फ मैं जा रहा हूँ एक्सप्लोरिंग करने के लिए. हम बाकी सब लोग जो है रेस्ट करने वाले हैं. अकेले निकल रहे हैं अपन आज, क्योंकि जो है कल थोड़ा ज्यादा हो गया. और मोस्टली मेन चीजें तो देख लिए. व्लॉग को पूरा देखना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना. चालू करते हैं आज. ओके, तो भाई फाइनली गाड़ी में बैठ चुके हैं. अभी कल जो हमारा एक टेंपल रह गया था, विरूपक्षा टेंपल के लिए अपन निकल चुके हैं आज, क्योंकि वो भी एक बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट अराउंड मेन टेंपल है भाई वो हम्पी का, तो वहां जाना भी जरूरी है. और वहां भी एक अलग सी कहानी है जो कि वहां जाके बताएंगे. वहां एक एलिफेंट है जो कि मैं वहां जाके दिखाऊंगा आप लोगों को. यहाँ एलिफेंट्स का बहुत ज्यादा माना जाता है भाई. और मेन थिंग मैंने पिछले व्लॉग में भी ये मेंशन किया, इस व्लॉग में भी यही मेंशन करूंगा कि आप लोग जो है होटल जब लो प्लीज मेन हम्पी में लेना. यहाँ एक अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर सर्कल है, उसके आजू बाजू ही लेना. वहां से लिटरली सारा जो हम्पी है, जो मेन चीजें आपको हम्पी में देखनी है आके, वो अराउंड 4 से 5 किलोमीटर है, उससे दूर नहीं होगा. तो बस इतना ही आपसे विनंती है, आपकी राइड इतनी, यू विल थैंक मी फॉर दिस, यू नो, रियली मैं लिटरली ये इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ ना, यू विल थैंक मी फॉर दिस. अभी चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं. गाइस लिटरली ऐसा सीन हुआ है कि विरूपक्षा टेम्पल मैंने मैप में डाला था, पीछे वो बोर्ड मिस हो गया मेरे से, वो तो मैं मानता हूँ, बट ये देखो भाई क्या एडवेंचरस रास्ते पे आ गए. लिटरली ब्लॉक्स हैं, सामने मंकी भी खड़ा है हमारे लिए, ऐसा लग रहा है मेरे को. ये देखो खड़ा हुआ है, इतने बड़े बड़े चट्टान, इतने बड़े बड़े पत्थर, और हम लोग एकदम जो है इतना एडवेंचरस रास्ते में आ गए. इतना ज्यादा एडवेंचरस फील हो रहा है, ये देखो फुल मजा आ गया. क्लास ये है ना, एकदम जब आप विदाउट गाइड जाते हो, आपको कुछ पता नहीं है, तो अब यू एंड अप समवेयर लाइक दिस. गाइज आना तो अपने को वहां जाना था, वो विरूपक्षा टेम्पल का मेरे को ओपनिंग दिख गया है, बट अभी हम लोग ऐसे रास्ते पे हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा ना पीछे, ये लिटरली ऐसे रास्ते पे हैं. और लिटरली आप जैसा कि देख सकते हो भाई, ये पूरा पानी के नजदीक आ गए अपन, और मुझे वहां बोटिंग करते हुए भी लोग जो है दिख रहे हैं. सीन इतना सा है, थोड़ा सा लोकल से बात किया मैंने, यहाँ की सीन क्या है. तो अगर विरूपक्षा मतलब विरूपक्षा जाएंगे, बट अगर बोटिंग पहले हो रही होगी तो वाई नॉट, वो कर लेते हैं पहले. जैसा भी बनता है आप लोगों को जरूर बताया जाएगा. तो गाइस गाड़ी अपन ने यहाँ लगा दी है. सीन इतना सा हुआ अभी मेरे साथ कि गाड़ी लगा के जो है अपन पानी की तरफ जा रहे थे, बट हमको जो है भैया मिल गए यहाँ. इन्होंने बोला कि यहाँ बोटिंग करने से अच्छा आगे एक बोटिंग पॉइंट है इधर हम्पी में, तो वहां करो, ये हमको लेके जाएंगे. वहां रास्ता नैरो है, गाड़ी जाएगी नहीं, तो ऑटो और बाइक, दैट्स द ओनली ऑप्शन यू हैव हियर. बैठते हैं ऑटो में और फिर जो है अपन देखते हैं कैसा बनता है सीन, कैसा नहीं. कोरैकल राइड करने जा रहे हैं, बहुत फेमस हम्पी की, आपको पता ही होगा. चलते हैं. गाइज और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको चीज बताना चाहता हूँ कि जब भी आप हम्पी आओ तो प्लान आउट करके आना कि आप लोगों को क्या क्या देखना है, क्या क्या नहीं देखना है. यू शुड नो वेर यू हैव टू विजिट एंड वेर नॉट टू विजिट फॉर नो रीजन. जहाँ आपका टाइम वेस्ट भी हो सकता है, मतलब आप लोग इतना प्लान आउट करके आना, क्योंकि यहाँ लिटरली बहुत सारी चीजें देखने के लिए. मैं मेन चीजें कवर करने का बहुत ट्राई कर रहा हूँ, बट हाँ आप लोगों को बस एक ही सलाह है, क्योंकि यहाँ मतलब रास्ते पे इतने लोग मिलेंगे ना आपको, हर इंसान अलग चीज बात करता है. तो बटा प्लीज प्लान आउट करके आना. एक एडवाइस देना चाहूंगा, आपका स्टे होगा, हॉलीडे होगा और अच्छा होगा, नथिंग एल्स. ऑटो से उतर चुके हैं, यहाँ लगा दिया है ऑटो भाई अपन ने, और अभी वी हैव टू लिटरली वॉक फॉर अराउंड यू नो 100 meters. चल के जाना पड़ेगा आपको बोट राइड करने के लिए. वो कोरैकल राइड आप लोगों को दिखाऊंगा, अभी बहुत एडवेंचरस होती है. अभी कहाँ से जाएंगे अपन, यहाँ से ऐसे नीचे. अच्छा ठीक है, चलते हैं और दिखाते हैं. तो गाइस पीछे से अपन पूरा चल के आए हैं पार्किंग से यहाँ तक. आपको लिटरली जो है एक 100 meters चलना होता है, नीचे जाना पड़ता है पूरा. और पैरेलली जो है हमारी तुंगा वगैरह
नदी जो है इधर बह रही है, द माइटी रिवर ऑफ द हम्पी। मतलब आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत ही सही व्यू है भाई, तगड़ा सा व्यू है एकदम। ये देखिए आप, इतने बड़े बड़े पत्थरों के बीच ये है पूरा व्यू भाई, क्लास मस्त एकदम पूरा। और इसमें ही अपन अभी जो है कोरैकल राइड करने जा रहे हैं। तो गाइज बेसिकली ये है कोरैकल, और भैया जो है अपने को आधे घंटे के लिए घुमाने वाले हैं, जितना घूम सकते हैं। अब एक घंटे के लिए हमने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि एक तो चार्जेस 750 पर पर्सन है, और आधे घंटे के लिए जो है 500 पर पर्सन है। ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बट द ओनली थिंग इज हमको वापस होटल पे पहुँचना है क्योंकि सबको छोड़ के आए हैं। मौसी ने जो है अपने को ज्वाइन कर लिया है, हाय बोल दो एक बार। तो मौसी के साथ अपन जा रहे हैं, चलते हैं और देखते हैं कि क्या सीन बनते हैं, क्या नहीं, कैसे घुमाते हैं। भैया एक बार व्लॉग के लिए हाय बोल दो। नमस्ते, वेलकम फ्रॉम द कोरैकल राइड। एग्जैक्टली, चलते हैं और देखते हैं क्या सीन बनता है। गाइस फाइनली इन द कोरैकल बोट में बैठ चुके हैं, पानी के कतई इतने ज्यादा नजदीक, और मतलब शांत है, ज्यादा भीड़ नहीं है, ऑफ सीजन है शायद, पर मतलब क्लास है, वीकडे है शायद, इसीलिए भीड़ नहीं है इधर। बट हाँ, आप देख सकते हो कि ये चल रहा है पूरा पानी के, अपन इतने नजदीक है, मतलब ये है और पानी यही है, और अपन जो है पूरे ऐसे फैल के बैठे। तो गाइज अभी अपन जो है फॉर टेम्पररी बेसिस अपन कोरैकल बोट से बाहर निकल चुके हैं यहाँ से, और वहां से ही आए थे अपन, पूरा घूम घूम के यहाँ आ गए। अब तीन इतना सा है कि यहाँ ये लोग पॉइंट्स भी दिखाते हैं वही टाइम में। तो एक पॉइंट, एक टेम्पल है यहाँ कृष्णा टेम्पल, वो देख के आते हैं क्या सीन है क्या नहीं, और जो लोग एक घंटे के लिए उनको बहुत सारे पॉइंट्स दिखाते हैं बेसिकली। अपने पास उतना टाइम नहीं है जैसा कि मैंने मेंशन किया, तो चलते हैं ऐसे लिटरली। आप लोगों को ये मिनी ट्रक है भाई, अच्छे खासे हैं, कोई टेंशन नहीं है, पूरा अंदर जाके है। ये सब चीजों के बीच में से अपने को जो है पूरा एक्सपीरियंस करने मिल रहा है। अभी चलते हैं कृष्णा टेम्पल, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, और भैया ने जो है अपनी मदद की कैमरा पकड़ने, चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। हो ये मतलब दूसरी, इट्स द सेकंड साइड, मतलब बेसिकली वहां से घूम के आया ये, बट हाँ इधर जाके होगा टेम्पल अंदर। कहानी है कि पानी आ जाता है तो इसके अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ सैंड है, तो सैंड वैंड आ जाता है, तो मतलब कोई लेके नहीं आए ये सैंड, ये पानी से आती है, ये सबमर्ज हो जाता है, और फिर जब पानी कम होता है तो ये बाहर आ जाता है। बेसिकली ये मैजिक है इधर, और ये जो है थोड़ा बहुत फोटोग्राफी करेंगे यहाँ अपन अभी लोग, जो कि आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम पे देखने मिलेगी। इंस्टाग्राम का आईडी ये आ रहा है, बस जरूर जाके फॉलो करना, तगड़ा कंटेंट है। ऐसी मतलब गुफाएं हैं भाई देखने के लिए, जो कि अभी जा नहीं सकते ऑब्वियसली पानी है इसीलिए, बट हाँ फोटो खिंचाते हैं, चलते हैं। तो गाइस वी आर बैक इन द कोरैकल राइट नाउ, फिर से अपन आ चुके हैं बोट के अंदर पानी के बीच, बस अब हो गया है वापिस जा रहे हैं, वी आर गोइंग बैक टू द शोर नहीं, क्या बोलते हैं भैया उसको, स्टॉप। तो वहाँ जा रहे हैं, वहाँ लाइक इट्स डन नाउ। तो मज़ा बहुत आया ये अभी इधर, एक्चुअली जैसा कि आप देख सकते हो ना पानी का लेवल जो है बहुत बढ़ रहा है, पानी का लेवल आप देख सकते हो, ये कोरैकल और ये इधर ये पानी लिटरली लाइक, सो इसीलिए अपन जो है जा रहे हैं। तो गाइज अभी जो है कोरैकल राइड का मेन एडवेंचर शुरू होने वाला है, भैया जो है अपने घुमाने वाले हैं इसको गोल गोल। Guys, we are finally done with the Coracle ride. अभी फिर से ऑटो से अपन अपनी गाड़ी जो हम पार्क करके आए थे वहाँ जाएंगे, और फिर देखते हैं आगे का प्लान कैसे बनता है क्या बनता है। दिन का ऑलमोस्ट अराउंड 2:30 बज गए, देखते हैं। आ चुके हैं ऑटो राइड करके, और अभी टाइम हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हो
3 बज गया है भाई, और अभी जो विरूपक्षा टेम्पल है जो अपन सुबह जिसके लिए निकले थे पर कुछ और कर लिए, वो एक्चुअली 3 बजे ही खुलता है। तो अभी यहाँ से हम लोग यू टर्न मार के वापस विरूपक्षा टेम्पल जा रहे हैं, वहाँ के दर्शन करते हैं और फिर देखते हैं क्या प्लान बनता है। गाइस गाड़ी पीछे लगा दी अपन ने एंड वी आर एट द विरूपक्षा टेम्पल जो आप अभी देखने वाले हो, मतलब दिस इज द मेन 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 टेम्पल ऑफ हम्पी, वो रहा भाई। चलते हैं अंदर और देखते हैं। जूते जो है अपन उतार चुके हैं भाई, उधर 2 रुपए देके रखने पड़ते हैं, सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है, बट हाँ वी आर एंटरिंग द टेम्पल राइट नाउ। ये टेम्पल है और इस टेम्पल की एक खास बात आप लोगों को बताता हूँ कि एक एलिफेंट है इधर, अब है अभी है या नहीं है पता नहीं, बट हाँ मैंने सुना है और देखा भी है, लक्ष्मी उसका नाम है, आप कुछ भी दे सकते हो खाना वाने के लिए एंड वो आपको आशीर्वाद देती है, वो अपन देखते हैं अगर होता है तो जरूर करेंगे। वेल राइट नाउ वी आर इनसाइड द टेम्पल, ये पूरा है एंट्रेंस इसका एंड दैट साइड, उस तरफ चलते हैं देखते हैं क्या है। धूप बहुत है जैसा भी है, आई कीप यू गाइस अपडेटेड। ओके गाइस तो शी इज लक्ष्मी, ये इनको अगर आप बनाना या कुछ भी दो वो खा लेती हैं, इट्स रियली गुड। लाइक ये वाइब, इतने लोग हैं, लाइक ये जो वाइब है ना, मैं बस ये फील करने आया हूँ हम्पी की यार, हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज बोलते हैं, क्लास है, मजा आ गया। एक फोटो खिंचाते हैं और फिर जो है यहाँ से निकल जाएंगे। तो वैसे लक्ष्मी के दर्शन जो है हो चुके हैं, अब जो है अपन मंदिर के दर्शन करके आ गए हैं वापस, रीजन बीइंग अंदर कैमरा जो है अलाउड नहीं है, शूट नहीं कर सकते, तो बस यही है, आप यहाँ से जाके दर्शन कर सकते हो पूरे टेम्पल के वगैरह एंड दैट्स द एग्जिट। अभी हम लोग वी आर गोइंग टूवर्ड्स द एग्जिट, मिलते हैं गाड़ी में और आगे का प्लान जो है देखते हैं क्या और कर सकते हैं। तो जाने के पहले एक्चुअली ये जो चीज़ है आपको ये टूम, ये गोपड़म बोलते हैं इसको, ये जो दिख रहा है इसका शैडो एक होल के थ्रू यहाँ जाता है, उसका वीडियो जो है मैं अभी आप देख सकते हो कि ये जो मैंने फोटो खींची है ये उस चीज का उल्टा शैडो है, बेसिकली उल्टा शैडो, समझ रहे हो क्या क्रिएटिव है, मतलब उस होल से बस वो पूरा उल्टा घूम के आ रहा है, मस्त भाई मजा आ गया। अब जो है फाइनली जो है हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, अब देखते हैं। आ गए गाड़ी में, विरूपक्ष टेम्पल के दर्शन हो गए अच्छे से, अभी जो है कोकोनट वाटर कर्नाटक में है ऑब्वियसली, ये सब जरूरी है, मैंडेटरी है इनफैक्ट। अभी जो है यहाँ से प्लान है वापस होटल जाने का, थोड़ा बहुत मॉम डैड को भी देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं, और फिर जो है शाम को अपन थोड़ा खाने निकलेंगे लोकल, थोड़ा सा यहाँ जो अच्छा होगा देखते हैं। अभी के लिए जो प्लान है होटल जाने का, तो मिलते हैं डायरेक्टली शाम को। तो गाइस फाइनली घूम फिर के तो हम लोग आ गए थे रूम पे, थोड़ा बहुत खाना वाना भी खाया, यहाँ का लोकल खाना खाने का एक्चुअली टाइम 6 बजे ही होता है, उसके बाद कुछ मिलता नहीं है इधर फ्रेंकली। और सेकेंड ऑफ ऑल हमने एक डिसीजन लिया है फाइनली जो है कि अपन कल जो है पुणे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हालत जो है थोड़ी ज्यादा खस्ता हो गई है, तो इट्स मतलब वो हम लोग आए इसीलिए थे, ये फैमिली ट्रिप इसीलिए कही गई थी क्योंकि चारों घूमे, बट अभी वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए हम लोग जो है कल वील बी हेडिंग टूवर्ड्स पुणे बैक, नॉनस्टॉप मारने का ट्राई करेंगे डेफिनेटली। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा थोड़ा सा भी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। दिस इज विक्रांत सक्सेना साइनिंग ऑफ, बाय बाय, राइड हार्ड राइड सेफ, कल मिलते हैं सुबह।